आज कोहली मैदान है और यहाँ पे हमने कैंप लगे हैं। मिस्टर तनवीर, मिस्टर नवीद, मिस्टर लुइस फ्रॉम स्पेन। हेलो, शीज बी। साढ़े बारह बज चुके, 12 बज रहे बल्कि, और ये रेगिस्तान है जूला से पहले। ये एक और ट्रैक है जो कि जूला कैंप की तरफ जा रहा है। ये पत्थरों का कलर देखें ज़रा, चेंज है, और नीचे नदी। कैसा लग रहा है कि फूल के दरमियान से? ओके की रिपोर्ट है ना? सवा 7 बज रहे हैं जूला कैंप में। ये जो ब्लू शर्ट में है, ये दो भाई आए थे, कबूशर से वापस आ गए एलसीजी सिकनेस की वजह से। प्रिपरेशन ज़ीरो थी, बस 6 बजे निकले हैं जूला से पायो की तरफ। जो भी आए वो अच्छे बूट्स पहन के आए, इक्विपमेंट अच्छा हो। क्या हाल है हजरत? मैं कह रहा हूँ कमी भाई, ये इतना ग्रेट शौक आपको कैसे जहन में आया? हाँ, वो मेरी बेगम ने भी यही पूछा था, ये फजूल इस उम्र में आके ये फजूल किस्म की शौक किसने बताई थी। लेकिन वो जो मैं ही बताऊं, एक किसी ने ये चुरन दिया था, ये हमारा पड़ोसी थे इकबाल भाटी। तनवीर आलम साहब जा रहे हैं जी आगे आगे, ये एक ग्रेट हाइकर, और लोग इनसे रुक रुक के ऑटोग्राफ ले रहे हैं जहाँ भी कैंप पे जाते हैं। ये सुबह का मंजर है पायो का। आज हमारा यहाँ रेस्ट है, पिछली दफा से निस्बतन बेहतर फील कर रहे हैं क्योंकि स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। इन द मिडल ऑफ द टू रॉक इज अ K2. K2 बिहाइंड। ओके, बिहाइंड द K2। यस। एंड द राइट साइड, यस, द एंड ऑफ द ब्लैक माउंटेन, यस, देयर इज एन अब्रॉड पीक। ओके, सो वी कैन सी इन अ हाफ, यस, आल्सो वी कैन सी इन अ रिज, या। सो व्हेन द एक्सपेडिशन गोइंग टू द रिज, दे क्लाइम द राइट साइड, या, द टॉप, या, ब्रॉड पीक, यस। ओके, सो पल्टो, एंड दिस इज अ पल्टोरो, Baltoro Glacier. Tomorrow you're going to go cross this Baltoro? Tomorrow, yes. Yes. We take on this path. 7:05 हुए हैं और कैंप से निकल रहे हैं। कैंप के क्या नाम है जी? खबुशे। मैं याद दिलाना चाहता हूँ लोगों को, और आज निस्बतन आसान होने की उम्मीद है। अगर नहीं भी है तो फिर भी यही कहे जहन में रखेंगे। चल हमजा अली चल। ये देखे जी हमारे नवीद भाई हॉर्स राइडिंग करते हुए। ओ बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल नहीं है। क्या करना क्या करना छाल मारो छाल। ये ब्रॉड पीक है, 350 मीटर ऊपर आए हैं। 3 घंटे हो गए क्लाइमेटाइज करने के लिए। आ गए वो। सामने मेरे आ गए वो। आप वो देख रहे हैं दरिया, दरिया के राइट हैंड साइड पे पायो वो है। एंड दिस इज थांगू टावर। हाँ, एंड दैट वन, सेकंड वन इज कैथीड्रल माउंटेन। ओके, एंड व्हाट इज दैट वाइट स्नो माउंटेन? एंड देयर इज द मोस्ट टावर। Okay, look at that top. Here is the Michael Long. That mountain. Who where? I found Michael Horn. Okay. And then next to you is Michael Long. Hashim Amla. हम लोग वो वहाँ से आए हैं, और जो चढ़ाई है ना वो ले डूबती है आदमी को। ये ट्रैक है जहाँ से हम आए हैं ऊपर। 2 घंटे हो गए पायो कैंप से निकले हुए। 2.7 माइल। और ये हमारे ईमान साहब है, हैंडसम। थैंक यू। एंड दिस इज आवर नवीद बेटे, स्वेटिंग लाइक एनीथिंग। एंड दिस इज हु? ओह यस, दिस इज बीबी। यस, एंड द बलून स्टिल ओवर देयर। एंड दिस इज लुइस। You will go to Spain, and when you see your girlfriend, you say, "Oi!"
No, never that. यहाँ पे लंच कर रहे हैं और ये है ट्रैंगो, ये और ये वाला, और ये है ये पूरी ब्याओ, और इस वक्त टेम्परेचर होगा 40 डिग्री, हाथ पाँव सड़ गए और उसके ऊपर इन्होंने गरम गरम चाय रखी है। हाँ, साढ़े पाँच छः घंटे हो गए, गर्मी में भुड़कस निकल गया। रिपोर्टर जा रहे हैं। यू पीपल आर वेरी स्ट्रॉन्ग, नाइस, फ्रेंडली, एंड टुडे वी आर गोइंग टू कुरुक्षेत्र। Yes. The way we stop for a one, take lunch. Yeah. And, in front of us is Masha Brooklyn. Yeah. Very good view. Yeah. Nice weather. Yes. Yes. Nice weather. And we have another Hollywood star. This one. What is his name? Hollywood star. Yes. Hollywood star. We will stay healthy together and reach and pass Gondwanagorla. Okay. What about you? I'm also praying for crossing the Gondwanagorla. He will carry us. Both. And Mr. Khalid, do you have anything to say? Hello, everybody. Hope we all together will achieve the target. Hopefully, God bless us. निस्बतन ये अच्छा ट्रैक है, अभी रेत देख रहे हैं, जो खराब ट्रैक होता है वो ये भी नहीं, ये भी पत्थर बिस्तर है, ये जो बड़े बड़े पत्थर है ना, इस किस्म का ट्रैक। कल हम 4 घंटे इस ट्रैक पे चले पत्थरों पे टोटली, तो उससे ये होता है कि बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है और एल्टीट्यूड की वजह से। ये हमारी फॉरवर्ड टीम जा रही है, इंड्योरेंस चाहिए, वो देखें ऐसे ट्रैक है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर। उर्दू कश्मीर निकले 1.5 घंटे हो गए और जा रहे हैं G2 पे, गोरो 2, और ये है मशा ग्रूम 1 आइसी लेक। आइसी लेक क्या नाम है? अली रजा सर। अली रजा, तो आपका आज मतलब इस दफा कहाँ गए थे? बोटल नेक तक गए थे? केल टू पे था सर, तो बोटल नेक तक गया, बर्फ अच्छा होने की वजह से सिमट नहीं हुआ। तो बर्फ कितनी थी? बर्फ तकरीबन इधर तक आया। तो कौन कौन था उसमें? हम 3-4 ग्रुप ज्वाइन होके ट्राई किया था। तो कितने लोग थे? कम से कम 40-50 लोग। अच्छा, सब वापस आ गए? सब वापस आ गया सर। और माइकल हॉर्न भी आ गया वापस? हाँ हाँ, किसी का नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, तो बस बड़ा 2 ग्रुप अभी क्लोज हो गया। अच्छा, तो वो दवा का ग्रुप है दोबारा ट्राई करने के लिए। अच्छा अच्छा, तो नामुमकिन है कि सर फिट होना। आपने कितनी दफ़ा किया है K2? K2 मेरा नहीं हुआ सर, G2 मैंने 6 दफ़ा किया। अच्छा, रोड पे 4 दफ़ा किया। अच्छा। जीवन 4 दफ़ा किया, नंगा पर्वत किया। माशाल्लाह, रह गया सर 200 मीटर। तो आने के लिए हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओए लुइस, सुबह सुबह का टाइम है जी, हम कनकॉर्डिया की तरफ निकल चुके हैं, ये अभी भी हम ग्लेशियर से गुजर रहे हैं। ये सब ग्लेशियर है, ग्लेशियर के स्टोन है, क्वाइट स्लिपरी। बजे गोरो 2 में सूरज ग्रुप हो रहा है, और ये मेरे पीछे देखें, ये मशा ग्रुप है।
6:30 बज गए और अब नाश्ता करेंगे, पैकिंग हो गई है और अब कंकॉर्डिया जाने के लिए तैयारी है। रात को टेम्परेचर 5 था और फिर रात को और ड्रॉप हो गया और सारे जो पानी जो है ना बह रहा था सारे फ्रीज हो गए। हाँ, कंकॉर्डिया जा रहे हैं, 1.5 घंटा हो गया और ये व्यू है। दो बजे हम कंकॉर्डिया पहुंच गए और ये है K2 का पहाड़ है, दुनिया का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन K2। तेरे प्यार विच रुल गई है सजना, लेकिन चस बड़ा आया, बड़ा डिफिकल्ट है, मैं दूसरी दफा जा रहा हूँ। नवीद साहब, हाँ अबे क्या कहोगे? हाँ, K2 इज द ग्रेट, गॉड इज द ग्रेट, पाकिस्तान इज द ग्रेट, गॉड इज ग्रेटेस्ट हु क्रिएट दिस मैजिक। ऑल पाकिस्तानी यूथ कम हियर एंड वॉच द नेचर। सुबह के 6 बज रहे, टेंट के अंडर का व्यू है, आप देखें K2 कितना क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह। और सूरज की शुआएं जो हैं उस पर पड़ रही है K2 पे। यूजुअली लोग सीधे हाथ से ऊपर समिट में जाते हैं। सवा 10 बजे और अली कैंप जा रहे हैं, शमीम साहब हैं और ये व्यू है रास्ते का। दस बज के 40 मिनट हो गए और ये बर्फ़ के ऊपर चल रहे हैं। 7:30 बजे चले थे, 10:40 हो गए। ये नवीद भाई जा रहे हैं ऊपर और ये सिचुएशन है। ये डिज़ाइन देखें, दूर से ऐसा लग रहा था कि हट बने हुए हैं, बर्फ ऊपर पत्थर रखे हैं, मेरा नहीं ख्याल किसी ने रखे होंगे, अल्लाह सुबहाना ताला ने डिज़ाइन बनाया है। जीस पंग कलर ऑफ वाटर। 6:20 हुए और ये अली कैंप है। 7 घंटे लग गए और बर्फ़ से इतनी थी जो पहाड़ पे और नीचे आधा आदमी धस जा गया और सारे ही ऐसे ही हाल हो गए, जूते गीले हो गए, मोज़े गीले हो गए। और हमने 10 बजे निकलना है, गोंडगोरा ला क्रॉस करना है। अल्लाह ताला हमें कामयाब करे, आसानियां करे। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ऐसा था कि यहाँ से क्रॉस किया हमने पूरा, ये देखें यहाँ से ऐसे क्रॉस किया और ये 1 घंटा लगा ये क्रॉस करते हुए। रात का टाइम है जी, 10:30-11 के हम निकले हुए हैं। इस वक्त क्या टाइम हो रहा है? 1:00 है। इस अंधेरे में हम लोग चल रहे हैं हेडलाइट्स के ऊपर। चार बज के
50 मिनट हुए, 5700 मीटर की बुलंदी पे आ गए तकरीबन। और ये देखें रात के 11 बजे से लगे मैं ऊपर चढ़ने में, और ये बादल आया हुआ, बर्फबारी हो रही है हल्की हल्की। अब इसके बाद 800 मीटर नीचे उतरना है। ये एक और ऊपर चढ़ रहे, सबकी जान निकली हुई है। कॉन्ग्रेचुलेशन। केटू किधर है? दिस वन केटू है सर। अच्छा ये वो जो आप सामने नजर आ रहे हैं, हाँ ये वो धूप में नजर नहीं आ रहे, वो केटू है सर। दिस वन ब्रोपिक है सर, वो धूप में नजर आ रहा है। अब जो है जो आप लोग गंडोगोरा ला के टॉप पे है सर, आप लोग ये बच्चे ने बड़ी मदद की हमारी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो जी। तनवीर साहब है, ये हमारा नवीद साहब है गंडोटाप का दूसरे साइड पे। इंशाल्लाह ये लोग उतरने के तैयारी कर रहे हैं। बादल आए हैं, लगता है मौसम ख़राब है, बारिश होगी। ट्रैक पे जाना तकरीबन 11 घंटे लगेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बारिश रुक गई है तो बेहतर हो गया, वरना बारिश में बड़ी तकलीफ होती है। पोंचो पहना हुआ था, अब उतार दिया है, लेकिन ठंड है, दोपहर तक बेहतर हो जाएगा। और ये दोबारा दिखा लीला पीक करीब से, रात को बड़ी अच्छी नींद आई, थके हुए थे क्योंकि सारी रात जागे हुए थे। गंडोगोरा ला क्रॉस किया था, अब तकरीबन 11 से 12 घंटे का ट्रैक है, फिर उसके बाद जीप, और रात को कहीं 12 बजे 1 बजे हम लोग स्कर्दू पहुँचेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, तकलीफ़ हुई लेकिन जो मकसद था वो सब पूरा हो गया। और ये ग्लेशियर के ऊपर से ट्रैक कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है। इनके जो वालिद का नाम है लिटिल करीम जी, वर्ल्ड चैंपियन जी। हाँ, और इन्होंने मज़े के खाने खिलाए हैं, और ये मशा ग्रूम है। कितने करीब से देखें, ज़रा ऊपर होता तो बादल अगर होते तो आपको इसका टॉप दिखाता। और ये हादी भाई हमारा ज़बरदस्त आदमी है। हाँ हाँ, ये लैला पीक है जो पहले दिखाया था आपको, लेकिन इसकी पीक जो है बादल में छुप गई है। और ये पीछे से ट्रैक करते हुए आए हम लोग यहाँ से 12:15 बजे, और ये कैंप साइट है, यहाँ पे हम लंच किया। दोबारा ट्रैक शुरू है, बड़ी ज़बरदस्त बारिश हुई है। पंचो पहन लिया था लेकिन पैंट भीग गई है, लेकिन मौसम देखें अच्छी भी हो। हाँ जी, ये ट्रैक है खूबसूरत, सब्जा फूल लगे हुए, और ये सारे जंगली है, किसी ने लगाए नहीं है ये। हाँ ये हुशे शहर है, और पीछे से दिखाया था उनके वहाँ खेत थे सारे, वो जगह नई नवेली सुलन जा रही है हाथ पकड़ के। 5 बजे हैं शाम के, और ये मशा ग्रूम होटल के बरांडे पे खड़े हैं। एक तरफ से धूप है और दूसरी तरफ से बादल, और अच्छा मंजर है, आप बखुदी अंदाज़ा लगाएं।
कि कैसा खूबसूरत है।